आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एमसीक में इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 65th के पूरे आंसर की को फ्रेंड्स। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे पूरा इसका वो निकालने में, लेकिन मैंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया जाए। तो पूरी आंसर की इसी के साथ मैं इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो थोड़ा सा तेजी होगा, बस आपको केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके आंसर मिलाने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला का जो आंसर होगा वो पहला वाला सही हो जाएगा, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं जो सरकार की संसदीय व्यवस्था है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से आप इसको करते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ, तो ये ग्राम पंचायत था, ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट आपका भूमि रिकॉर्ड अधिकारी पटवारी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें बी और सी को लेके कंफ्यूजन है, लेकिन ऑप्शन आपका बी ही लगभग लगभग सही है। फिफ्थ वाला जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसमें एक से अधिक आंसर सही होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए इन्होंने जितना जो ट्रिक किया है, ज़रूरी नहीं है को पूरा सही है, अभी आपके ढेर सारे क्वेश्चन इसमें गलत मिलेंगे, जिसको मैं ऑलरेडी टिक करते हुए आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी न तो राज्य पार्टी है न तो राष्ट्रीय पार्टी है, देखिए ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है जो आपकी दिल्ली में है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। पोस्टमार्टम संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम बोलते हैं, तो ये उत्प्रेक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, नौ वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नौ वाला अभी मैं देखो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न या तो मुझे बताते वक्त गलत हुआ है या जो जो छूट जाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैं पिन कर दूंगा, तो लास्ट में आपको पूरा देख लेना है। जैसे भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है, तो ये आपको यूपीएससी का अध्यक्ष हो जाएगा यहाँ से, हाँ यहाँ से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो देखिए ये ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिल जाएगा इसको, लेकिन इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये जनसंख्या है आपका, जीडीपी वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। बिहार कुंभ मेला 2019 का मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में लगा था, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर है, थोड़ा सा डाउट में इसको भी मैं टाइप करके पिन कर दूंगा। फ्रेंड्स इधर के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डाउट्स में हैं, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन को वो कर दूंगा, तो आगे के क्वेश्चन लगभग लगभग सारे क्वेश्चन सही है। तो 2011 के जनगणना के साथ बिहार में बाल लिंगानुपात, तो ये 935 सही है आपका। और 16 वाला जो आंसर हो जाएगा 15.6% हो जाएगा। 17 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। तो छठी पंचवर्षीय योजना किसमें आपको पता ही होगा, ग्रामीण साक्षरता विकास को बढ़ावा दिया गया था। तो बीपीएल जो है, अंत्योदय वाला सिस्टम जो है, वो सबसे पहले तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालूम होता था, तो महालवाड़ी व्यवस्था में था, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। रैयतवाड़ी के बाद ये लाया गया था। वित्तीय वर्ष 2008 कुल मुद्रा, ठीक है, विदेशी मुद्रा एफडीआई जो था वो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये पूरे डिजिट पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। इसमें ईपीसीजी एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जो ग्राहक है 60 वर्ष के बाद कितने अनुमान प्राप्त करेंगे, ये 3000 है, 3000 ही है। और नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन जो हैं वो लगातार कंटिन्यू सही होंगे, तो इसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस के श्यामजी कृष्ण वर्मा, भागलपुर नमक सत्याग्रह की, ये भी क्वेश्चन इनका सही है, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन इनका गलत है, देखिए फ्रेंड मैंने जैसा कि बताया था कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन गलत हैं जिसमें आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। 1939 में है अंबारी सत्याग्रह, ये यदुनंदन शर्मा है, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से ध्यान दे लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देशेर कथा सखाराम गणेश दिवसकर, तो फिलहाल यही है सही है, अगर कुछ डाउट होता है तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है सर्चलाइट, तो ये इनका सही है, लंबोदर मुखर्जी। नेक्स्ट आपका बिहार समाजी समाजवादी पार्टी, तो ये शायद फूलम प्रसाद वर्मा होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि मुझे यही वाला आंसर लग रहा है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार ज़रा। नेक्स्ट है आपका, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे 1885 में, ओयूं। नेक्स्ट है स्वराज जन्मसिद्धि बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है, नाइटहुड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग कांड की बात की थी। भारत सेवक समाज, ठीक है, तो ये लाला लाजपत राय, हाँ ये सही है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं,
काकोरी डकैती के लिए ये राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला का लखनऊ के पास जो आपका काकोरी पड़ता है 1925 में ये घटना हुई थी। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस ये आपका नहीं, सी आर दास सही आंसर है, सी आर दास सही आंसर है। सत्यशोधक समाज आपका ज्योतिबा फूले ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट होगी। देखिए फ्रेंड, दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय पूछेगा तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगा, और जब आपका डायरेक्ट पूछेगा तो वो आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। ये मैथ की क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी से हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज लेखक, तो इसके डार्विन है, ये सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शैवाल को के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, तो ये वाला आंसर इसमें फ्रेंड्स मैं मार्क कर दे रहा हूँ, म्यूटुलिडिजियम हो जाएगा ये वाला, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ये आंसर सही रहेगा जो मैंने मार्क किया है। देखिए नेक्स्ट है आपका जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो पारितंत्र और बायोम ये दोनों ही प्लेस होते हैं मेरे हिसाब से, ई वाला आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। तो देखते हैं, एट लास्ट मैं पूरा वो करके कर दूंगा इसमें। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये आपका माइटोकांड्रिया होता है जो आपका पावर हाउस होता है, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। मैं थोड़ा मार्क कर दूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ट्रेन वगैरह में ही होंगे, तो वो वॉइस कंफर्म नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मार्किंग जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, ये सही है आपका, बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद O2 सही है। ठीक है, ये O2 यहाँ पे सही है, बी वाला ऑप्शन। हड्डियों की जो पढ़ाई वो ऑस्टियोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं देख के बताऊंगा आपको। फिलहाल इधर हो गया, हाँ नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ये काफ़ी फ़ोन कॉल के बाद एक भाई साहब ने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, पूरा PDF के फॉर्म इसको भेज दिया उन्होंने। ये है आपका लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं, ये किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका थायरैक्सिन। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी क्वेश्चन इनका सही हुआ है, मुझे उम्मीद है कि बेहतर तरीके से इनका हो भी जाएगा। एड्स जो है था ह्यूमन इम्यूनो वायरस, आप जानते भी होंगे वायरस की वजह से होता है। दाब का मात्रक जो पूछा था फ्रेंड्स, P = F/A से अगर आप निकालोगे तो इसमें से कोई भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, आप मिला भी लीजिएगा। सूर्य का प्रकाश काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 8 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा आपका, बल वेग आवेग संवेग बल आघूर्ण त्वरण, ये सब क्या होते हैं आपके सदिश राशि होती हैं। इसमें जो दाब होगा वही आंसर मेरे को लग रहा है, इन्होंने अब पता नहीं कैसे ई मारा है, लेकिन किस राशि का मात्रक नहीं है, तो ये विकृति है, बिल्कुल सही इन्होंने मारा। वाई में ध्वनि तरंग, ये अनुदर्ध, ये भी सही है। 50 डिग्री फॉरेनहाइट, ये भी इनका बिल्कुल सही है। C/5 = F - 32/9 से आप चेक करोगे तो ये 122 डिग्री आएगा, 122 डिग्री फॉरेनहाइट। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, आवृत्ति, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस सही होगा। इसमें विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो ये एमीटर हो जाएगा, विद्युत शक्ति की इकाई वाट। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन सही है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है इनके क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ उन्होंने कर लिया था। देखिए यहाँ पे आधुनिक रसायन का पूछा है ना, तो ये लोवेजियर मुझे मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें लास्ट मुझे लग रहा कट कर दिया था, तो ये है आपको इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या, A = Z+N होता है, तो वहाँ से आप कर सकते हो दोनों को ऐड करके। ठीक है, 38 हो जाएगा। हंसाने वाली गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा एक तत्व नहीं है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक गैस होनी चाहिए, गैस तत्व नहीं होती, फिलहाल उपधातु तो आंसर नहीं होगा, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पानी का PH, तो ये 7 है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है, तो मुख्य घटक आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किसमें नहीं होता, तो ये केरोसिन, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, बिल्कुल सही है। C6H12O6, ये ग्लूकोज का है आंसर, ये सही है। CO का आबंध क्रम क्या है, तो ये 2.5 निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे सही लग रहा है ये वाला, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 2.5 सही है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा तुलसी कबाड़। ठीक है, अभी गूगल के ऊपर इन्होंने लगाया था ये। एगेली ऑफ रास्कल, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है रास्किन बांड का, तो ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर विशाल कम, ये आइकिया का जो शोरूम है फ्रेंड्स वो हैदराबाद में खुला है, यहाँ पे डॉग के लिए केयर सेंटर भी सबसे पहला खोला गया है, तो ये देख लीजिएगा एक वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, ये इनका टोक्यो सही है, 2020 वाला टोक्यो भी सही है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने 2019 को, तो ये देख ले फ्रेंड्स, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है, ये 150 हो जाएगा, यहाँ से इसको देख लीजिएगा। हाल ही में भारत के संसद 3 तलाक कारण, तो ये 2015 सही लग रहा है, ठीक है, ये ब्राज़ीलिया ब्राज़ील में हुआ था, तो ये भी सही है, 87 भी सही है। नेक्स्ट है इनका मुकुंद पद्मनाभ समाचार द हिंदू के, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन फिलहाल आंसर सही लग रहा मुझे, ये भी मैं टाइप करके बता दूंगा, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे हैं फ्रेंड्स, परेशान मत होइएगा, जिनमें डाउट है मुझे तो वो मैं बता दूंगा आपको फटाफट। ये है क्वेश्चन है फागू चौहान को, इन्होंने एपी साई जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं बिहार के, इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी, तो ये चर्चा में भी था। बिहार दिवस ये भी सही है आपका, सी वाला आंसर सही है, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ सी वाला। और नेक्स्ट है आपका, ये भी बिहारी सही है, ठीक है, देख लेते हैं आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में हो जाएगा। बिहार पर्यटन, ये देखिए इसमें सी हो जाएगा, ब्लीसफुल बिहार, ब्लीसफुल बिहार, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन को देख लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध, तो ये उत्तरी कोयल में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 2019 बिहार के महापाषाणी का स्थान, तो ये इसका आंसर मुझे मधुबनी लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मुझे मधुबनी लग रहा है। नेक्स्ट है आपका, तो यूए में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे मोदी जी को बुलाया गया था, मतलब भारत से। नेक्स्ट है आपका, ये इसरो और सीएनईएस फ्रेंड्स आपका फ्रांस में है, रूस का नहीं है, ये फ्रांस का है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, देख लीजिएगा एक बार। और प्रागरे वाला क्वेश्चन है, तो प्रागरे की कैपिटल अगर आपको पता हो तो आपने बिना सोचे समझे इसको मार भी दिया होगा, तो सही है, बिल्कुल सही है, उसके लिए घबराना नहीं आपको, ठीक है, ये आपका आसनसियान सही है। नेक्स्ट है UNE4, तो ये आपका हुआ था नैरोबी कन्या में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, 2019 मार्च सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश की किस संस्करण, तो ये दूसरा वाला था, ठीक है, दूसरा वाला था, तो ये आप उसको देख लेना है। नेक्स्ट है मनोहर पर्रिकर की जगह पे, तो ये प्रमोद सावंत जी थे, तो बिल्कुल सही है। 2018 के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज जो दिया गया था शांति के लिए, तो यही हो सासा कावस, बिल्कुल सही है। ऊंट अस्पताल, देखिए ऊंट अस्पताल आपका दुबई में खोला गया है, बीकानेर में, दुबई में, ठीक है, DUBAI, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका योनेक्स वाला, तो ये सी वाला सही है, कैंटो मोमोटा इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, 105 मार्क कर देते हैं, इसको देख लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है स्टीव स्मिथ हो जाएंगे, बिल्कुल सही है जवाब, ये स्टीव स्मिथ सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, जुलाई 2000, ये तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था, काफ़ी चर्चा में भी था, तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट है आपका थेरेसा मे के ब्रिटेन प्रधानमंत्री के कंजर पहले ही दौर में मतदान की प्रतियोगिता अंतिम 7 में इसमें कौन शामिल होते, तो रोरी स्टुअर्ट, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, ये हुआ था आपका अजरबैजान में, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सैयद अकबरुद्दीन के, देखिए ये हरदीप सिंह पुरी हमारे आवास एवं विकास मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी ये नहीं थे, ये आपके निरुपम से गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ अशोक कुमार मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है, अशोक कुमार मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये देखिए क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा मुझे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट है आपका देख लेते हैं, 1930 महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये दांडी फिलहाल तो सही होना चाहिए, क्या मार दिया इन्होंने। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, साबरमती आंदोलन 1902 चित्तरंजन दास, ये सही है इनका। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, भारत की 1947 के आसपास में पूछ रहा है, तो जे बी कृपलानी, ये थोड़ा डाउट है मैं बता दूंगा आपको, देख रही है 1857, ये बिल्कुल सही है आपका, कुंवर सिंह हो जाएगा। और अशोक बिहार में कृषकों आंदोलन का, तो ये मैं आपको मार कर दे रहा हूँ, ये श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप परेशान मत होइएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप क्वेश्चन भी बता सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, देखिए मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा बाद में, क्योंकि मैंने बिहार स्पेशल को ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो लेकिन जो भी क्वेश्चन हो सका करंट में थे उसको मैंने आपको पॉपुलरली बताया, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की किस वर्ष में फैक्ट्री पटना में थी, 1651 सही है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो ये श्री कृष्ण सिंह, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने अशोक सामंत किस नाम से, चक्रवर्ती सम्राट थे ही, प्रियदर्शी चक्रवर्ती, देखते हैं इसको मेंशन कर दूंगा मैं। औषधि के क्षेत्र में अपने नाम में जानते थे, ये सुश्रुत तो सही है, बिल्कुल सही है।
दक्षिण भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये खरोष्ठी सही हो जाएगा आपका। अष्टप्रधान आपका इसमें है शिवाजी, ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी में था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूटेंगे जरूर, लेकिन मैं उनको बता दूंगा फटाफट आपको। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में, ठीक है, तो ये जहांगीर का था। काफ़ी सारे स्टेटमेंट के लिए दिए भी जाते हैं। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक का निर्माण तुगलक ने किया करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी समुद्र तटीय हुगली का उपयोग किया था इसमें, डच था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड जो थोड़ा सा डाउट में मुझे लग रहा है, लास्ट वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है इनका ये सही है, ये वाल्मीकि है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स जितने भी थे, मेरे से हो पाया, मतलब जल्दी जल्दी में हो पाया मैंने उसको किया है। तो इनका भी आंसर ये 135 का ही ये वाला सही हो जाएगा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट वो करेगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी इन क्वेश्चन को फटाफट मुझे देखना पड़ेगा, और क्योंकि ये कुछ लोगों ने मेंशन भी मुझे किया था कि कुछ डाउट में सारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसको मैं कम्प्लीटली आपको कर देता हूं, तभी कोशिश करूंगा कि आपको गलत कुछ ना बता पाऊं। तो ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी जितने क्वेश्चन बचे हैं मैं उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर चैनल पे फ्रेंड्स पहली बार व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार UPPCS 2019 RO और जूनियर स्टूडेंट से लगते जितने भी वो सारे क्रैश कोर्स और PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लगातार भेजा जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैं वो सारी चीज़ें देंगे, तो उसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जान सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।